मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कैंपियरगंज विधानसभा के विकासखंड भरुइया के शिव मंदिर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक कर विधिवत पूजन अर्चना की तथा उन्होंने भगवान शिव से प्रदेश व संसार से कोरोना महामारी को दूर करने की कामना की। इस अवसर पर कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह, अमित सिंह मोनू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उसमें सभी लोगों का सहयोग आवश्यक है। यही मैं आपसे अपनी बात को पूर्ण विराम देते हुए अपनी बात को रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से सर, जब हम अपने समाज में प्रगति की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम होता है कि हम अपने देश के बारे में सोचें, क्योंकि राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरणगुप्त जी ने भी कहा है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, बंदर नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का पाठ्यार नहीं। हमारे देश में आदरणीय श्री रमाकांत प्रसाद जी यहाँ पहुंच दौरान कुछ ब्रह्मलीन राष्ट्र महंत अमरनाथ जी महाराज मुक्ति का आह्वान करने के बाद सिख युवा के बीच में जब तक पहुंचने वाले हैं आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए। आज अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कुछ महाराज जी, इस मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष लोकप्रिय जिलाध्यक्ष आदरणीय ऋषि सिंह जी, सहजनवा से विधायक आदरणीय बाबा शीतल पांडे जी, खजरी के विधायक संत प्रसाद जी, जनता कौड़िया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्री ब्रजेश यादव जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य हिंदू वाहिनी का जिलाध्यक्ष मेरे साथी भाई ये शंकर यादव जी, इस विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी पूर्व विधायक चौधरी शिवम सिंह जी, इस विधानसभा के प्रवासी प्रभारी चारों जनपदों चारों मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री बच्चे समाप्त